आप लोग की जैसे हेड बॉय बनेगा, हेड गर्ल बनेगा, कैप्टन बनेगा, तो हमारी जो लीडरशिप स्किल है वो इसी समय एनहेंस होती। सारी चीजें हमने एकेडमी में सीखी है, मतलब एग्जाम क्लियर करने के बाद हमने वो सीखा है, तो आप अभी सीख रहे हैं लीडरशिप क्वालिटीज। और मैं चाहती हूँ आप सभी जो है अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा करें, आगे बढ़े, और सभी भी जो लैंग्वेज बैरियर है या इस जगह का बैरियर है, कहते हैं ना कि ये जगह मतलब मैं बाहर से हूँ तो मुझे ये लगता था कि ये बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, बट ऐसा नहीं है, आप लोग बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, नारायणपुर का नाम हो रहा है। मैं चाहती हूँ आप में से ही कोई मुझे एक टाइम पे मिले और बोले कि मैम आपको मैं जानता हूँ, मैं अब इस पोस्ट पे हूँ या इस जगह पे हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप इस पोजीशन पे पहुंच जाएं कि आप मुझे आके बोले और मैं आप लोगों को आके सर या मैम बोले। थैंक यू सो मच। को लगा जो इम्पोर्टेंट चीजें कि आप एज हेड बॉय होनी चाहिए वो सबसे पहले ये था कि एज हेड बॉय आप पूरी स्कूल को बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ दी स्कूल मैनेजमेंट। तो बच्चों का क्या दिक्कत हो रहा है, दैट इज बहुत ही मूलभूत चीज, जैसे पानी की समस्या, शौचालय की समस्या, चाप में कुछ दिक्कत हो, तो वो हेड बॉय हेड के रूप में आपको मैनेजमेंट को बताना है। जो यहाँ पर उपस्थित है उनके मन में एक सोच था विश्वविद्यालय फैमिली के लिए, यहाँ पर विश्वविद्यालय फैमिली के लिए जो यंगर वर्ग हमारे बीच में अभी उपस्थित है उनके लिए, इसको किस तरह चलाना है, इसको के गतिविधियों में हमारे भागीदारी क्या होगा और इसको के मैनेजमेंट के साथ हमारा उठना बैठना हर एक काम में साथ देना और हमारे आने वाले नए जनरेशन को कैसे अच्छे नागरिक बनाने के लिए, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाने के उदाहरण देना, ये सबके बारे में आप लोग उसमें एक पेपर में एकदम क्लियरली हुआ रिटर्न एंड गेंटिंग दिस इज सो दिया चिल्ड्रन वेन्यूआर rested and sitting and you are selected from this many children and you are set up separately and sitting in front of everyone. You must feel pride. It is both an honor and a privilege to stand before you today to express our heartfelt gratitude following this wonderful investor ceremony.